दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी के परम शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताएंगे। जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उन्हें इस मंत्र का जाप आवश्यक रूप से करना चाहिए। यह मंत्र सभी मंत्रों का राजा है, सभी मंत्रों का बादशाह है। यह एक मंत्र ही आपके जीवन की दशा बदल देगा, आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण कर देगा, आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त होते रहें। दोस्तों इतिहास गवाह है, शास्त्र उठाकर देख लीजिए, जब जब संसार पर संकट आया है, जब जब संसार में विपत्ति आई है, श्री हरि विष्णु जी ने अवतार लेकर उस समस्या का समाधान किया है। दोस्तों आज हम जो मंत्र आपको बताने जा रहे हैं, कई वर्षों पहले भक्त ध्रुव ने भी इसी मंत्र का जाप किया था। दोस्तों मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि भक्त ध्रुव जब अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए गए तो उनकी सौतेली माता सुरुचि उन्होंने गोद से उतार दिया और कहा कि पिता की गोदी में बैठने के लिए आपको हमारी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। जब भक्त ध्रुव दुखी होकर अपनी माता सुनीति के पास गए तो माता सुनीति ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि आपको इस बात से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो सबके पिता हैं श्री हरि विष्णु जी, उनकी गोद में बैठने का प्रयास करो। भक्त ध्रुव के मन में यह बात बैठ गई और भक्त ध्रुव राजमहल त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जा रहे थे, देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद ने उनको समझाने का प्रयास किया कि आप विष्णु जी को प्राप्त नहीं कर सकते, आप उनकी गोद में बैठने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो क्षीर सागर में निवास करते हैं और वहां व्यक्ति मरने के उपरांत ही जा पाता है। भक्त ध्रुव के मन में श्री हरि विष्णु जी की गोद में बैठने का विशेष प्रण था और वह निर्णय कर चुके थे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा तर्क दिया, उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन श्री हरि विष्णु जी तो हमारे पास आ सकते हैं। जब देवर्षि नारद के सारे तर्क फेल हो गए तो श्री हरि विष्णु जी के आदेशानुसार देवर्षि नारद उनके गुरु बन गए और गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन किया। और उस समय भक्त ध्रुव को जो मंत्र दिया, जो गुरु दीक्षा दी, वही मंत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको गुरु बनाने की आवश्यकता शत प्रतिशत रहेगी, तभी यह मंत्र आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण करेगा। आपको गुरु बनाने के लिए कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गुरु को आदर देना होगा, मन में श्रद्धा रखनी होगी। चूंकि यह मंत्र मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, इसलिए इसका जाप करने से पहले आप अपने मन में मुझे लेकर गुरु का भाव रखते हुए इस मंत्र का जाप प्रारंभ करेंगे। दोस्तों गुरु के बिना कोई भी मंत्र असरकारक नहीं होता। मैं आपको यह बता दूं, कबीर दास जी ने भी गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है, ध्यान से सुनिए क्या कहा है। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते
हरि नहीं होए सहाय। अगर भगवान आपसे रूठ गए हैं तो आप गुरु की शरण में चले जाइए, लेकिन अगर गुरु ही आपसे रूठ गए हैं तो स्वयं भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकेंगे। एक और श्लोक में आपको बताता हूं कबीरदास जी का। कबीरदास जी ने कहा है, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। दोस्तों, इन बातों को आप सिर्फ सुनकर टालिए मत, इन बातों को आप हल्के में मत लीजिए, बल्कि इन बातों पर गौर करिए और इन पर अमल करिए। आपको सिर्फ मन में गुरु धारण करना है और मंत्र का जाप करना है, उसके बाद आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या कोई धन संबंधी समस्या हो। दोस्तों, जब आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ करेंगे तो मनुष्य देवी देवता भी आपकी जय जयकार करने लगेंगे। दोस्तों, स्वयं भगवान ने कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर पे लीका। एक बार भगवान स्वयं जो कह दें वो फीका हो सकता है, लेकिन अगर गुरु कह दें, संत कह दें, तो वह पत्थर पे लकीर है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यह कहता हूं कि जो भी भक्तगण, जो भी शिष्यगण या जो भी मनुष्य इस मंत्र का जाप करेगा, उसके जीवन में कोई भी समस्या शेष नहीं रहेगी। दोस्तों, अब इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कई बार आप लोग गलत मंत्र लिख लेते हैं, गलत मंत्र सुन लेते हैं, किताबों में छपे हुए मंत्रों को देख लेते हैं। वह लोग इस मंत्र का जाप क्या करते हैं, वह लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इसमें आपको नमः लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें पहले ही नमो लगा हुआ है। इस मंत्र को द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र का मतलब होता है इस मंत्र में 12 अक्षर होते हैं, और 12 अक्षर आप गिन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर हो गए। अगर आप इसमें नमः लगा देंगे तो यह मंत्र गलत हो जाएगा, फिर यह द्वादशाक्षर मंत्र नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, आपको जो मंत्र मैंने बताया है उसी का जाप करना है। एक बार पुनः मैं शुद्ध मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इसके आगे मुझे अब आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल स्नान करिए, श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करिए, हो सके उनकी मूर्ति रख लीजिए, उनका फोटो रख लीजिए, और कुछ भी नहीं है तो आप अपने मन मस्तिष्क में उनका ध्यान करके इस मंत्र का जाप प्रारंभ कीजिए। सारी दुनिया आपकी जय जयकार करेगी, समस्त देवी देवता आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपकी जय जयकार करने लगेंगे। दोस्तों, आप इस मंत्र के जाप के बाद जो अनुभव करें वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। जय श्री राम।